हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स कैंप। हम लोग फ्रेजल वर्ब कर रहे थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब कम। पिछली क्लास में हम लोगों ने कौन सा किया था, कॉल किया था, जिसको भी वो पढ़ना है ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे वो वाला खुल जाएगा। चलो अब कम से रिलेटेड कौन कौन से फ्रेजल वर्ब होते हैं ये देख लेते हैं। कम अबाउट, कम अक्रॉस, कम फॉरवर्ड, कम इन फॉर, कम ऑफ, कम राउंड, कम थ्रू। किसी भी फ्रेजल वर्ब का मतलब पहले से पता हो तो जरूर बताना। चलो फिर आज का सबसे पहला वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कम अबाउट। अब कम अबाउट का मतलब क्या होता है? कम अबाउट का मतलब होता है कि कुछ चीज हो गया, अकर हो गया, हैपन, टू हैपन, अकर। ओके, सेंटेंस देखते हैं। द मीटिंग केम अबाउट बिकॉज बोथ साइड्स वर सिक ऑफ फाइटिंग। मीटिंग हैपन हो गई या मीटिंग हो गया क्योंकि दोनों साइड्स फाइटिंग अब कर करके थक चुके थे। सो आई होप कम अबाउट इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड कम अक्रॉस। हम सब जानते हैं कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है। Find something by accident. आपको कोई चीज एकदम अचानक से मिल गया, suddenly you got something, तो आप उसको क्या बोलते हो? Come across. Okay? Let's have a look at a sentence. When I was cleaning my room, I came across my beautiful dress. जब मैं अपना रूम क्लीन कर रही थी तो अचानक से मुझे अपना एक बहुत ब्यूटिफुल सा ड्रेस मिला। ओके, पिक्चर से भी काफी एविडेंट है मीनिंग। सो आई होप दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू एवरी वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? कम फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आप किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हो, टू ऑफर हेल्प। बोलते हैं ना, आई केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। सेंटेंस देखते हैं। नो विटनेसेस टू द एक्सीडेंट हैव कम फॉरवर्ड येट डिस्पाइट द पुलिस अपील। पुलिस की अपील करने के बाद भी कोई भी विटनेस अभी तक सामने नहीं आया है हेल्प करने के लिए। सो आई होप दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कम इन फॉर। इसमें देखना दो प्रपोजिशन यूज है, इन भी और फॉर भी। मीनिंग क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है आप कोई चीज रिसीव कर रहे हो, या तो क्रिटिसिज्म या प्रेज, आप दोनों के सेंस में इसको यूज कर सकते हो। सेंटेंस देखते हैं। गरिमा कम इन फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लेट। गरिमा को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट इज कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? व्हेन समथिंग बिकम्स separated or unstuck from another thing, मतलब दो चीजें अलग हो गई, that is what is come off. Okay, sentence देखते हैं। The paint is starting to come off the wall in the kitchen. Kitchen का जो wall है उसमें जो paint है वो उससे निकलना, उससे separate होना शुरू हो गई है, तो आप इस sense में भी come off use करते हो। Next phrasal verb is come round। अब यहाँ पे हमने round को use किया हुआ, meaning क्या होते हैं? To accept someone opinion to recover, मतलब आप बीमारी से recover कर रहे हो तो भी आप come round बोलते हो, या आप किसी का opinion को accept कर रहे हो तो आप उसको भी come round बोलते हो। Sentence देखते हैं। At first she didn't like the idea, but she came round to our way of thinking in the end. उसको starting में हमारा idea पसंद नहीं आया, but फिर वो accept कर ली हमारा opinion. So I hope this is clear. So the next word is come through. और come through का मतलब क्या होता है? Come through का मतलब होता है produce or deliver a result. आप एक अच्छा या negative जो भी है, लेकिन आप एक result deliver करके दे रहे हो। Sentence देखते हैं। We were worried she would not be able to handle it, but she came through in the end. हम लोग बहुत worried थे कि वो नहीं कर पाएगी, वो handle नहीं कर पाएगी, but she actually delivered the result. So I hope the words we have done today are clear to everyone. किसी भी word में doubt हो तो भेजिए, जो comment section में पूछिएगा। If you like the video, kindly like and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye and take care.